What's up beautiful people, welcome to a new vlog. I know काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आई है, व्लॉग नहीं आया है, क्योंकि पपी के बाद लाइफ चेंज हो जाती है. अभी 7:45 बज रहे हैं, 7:40 हुए हैं सुबह के. मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे हम लोग रह रहे हैं न्यू पपी के साथ, टेडी के साथ. लमी शो क्या चल रहा है ये देखो. टेडी भाई साहब लेटे, हम लोग यहाँ पे सोए थे रात को, अभी आजकल ज़मीन पे सो रहे हैं. और आप देख सकते हो हमने दोनों बेड लगा रखे हैं, वो डैडी का वो बडी का. तो डैडी तो अभी ज़्यादा बेड पे जा नहीं रहा, उसको आदत नहीं है बेड पे बेड की, और ऐसे सोते हैं हम लोग. मैं उठ गया हूँ तो ये आ गया बीच में, शिल्पा के पास लेटा हुआ है और यहाँ पे बडी लेटा हुआ है. बडी देख रहा है क्या चल रहा है यहाँ घर में, क्योंकि बडी की भी लाइफ बदल गई ना हमारे साथ साथ. बाकी उसकी ट्रेनिंग का काम चल रहा है, ये इसकी ट्रीट्स रखी हैं, पॉटी बैग रखे हैं, क्योंकि रात रात को इसको उठ उठ के हर 2 घंटे में 3 घंटे में 2.5 घंटे में एक्चुअली लेके जाना पड़ता है बाहर. और कल रात को तो बहुत बड़ा मुश्किल हुआ, क्योंकि आज आ रही है बारिश और टेडी भाई सबको बारिश ये पता ही नहीं बारिश क्या होती है. नमस्ते वो देखो, तो बारिश में थोड़ा सा मुश्किल हो गया था उसके लिए, बट समहाउ वी मैनेज्ड. कहाँ चले आप? अच्छा एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको. ऑल्दो मैं हर 2 घंटे में उठ के बाहर लेके जाता हूँ उसको, पर फिर भी देखो एक आध बार एक्सीडेंट हो ही जाता है. तो इसने कल रात को घर में कर दिया था, नॉट अ बिग डील, बट ऐसे तो सीखेगा और 2-3 दिन में सीख जाएगा मिस्टर टैडी. और हमने देखो क्या किया हुआ है, हमने घर के दरवाजे भी बंद कर रखे हैं, रूम्स के आई मीन ये बंद है, सारे बंद हैं, उधर के सब बंद है कि कहीं निकल ना जाए, रात को घूमता फिरता हुआ कहीं निकल जाए. ए चला जा टैडी कम. और थोड़ा सा पपी प्रूफ किया हुआ है, चीज़ें हमने नीचे से उठा रखी हैं, क्योंकि बाइटिंग भी चल रही है ना इसकी, तो इधर उधर कुछ बाइट ना करने लग जाए. तो वैसे बस ये आपको दिखाना था क्या चल रहा है और क्यों वीडियो थोड़ी सी लेट आई या नहीं आई पिछले कुछ दिन में, बट बहुत काम हो गया है. हैविंग अ न्यू पपी इज़ लाइक हैविंग अ न्यू बेबी, बट ट्राई करूँगा कि थोड़ी थोड़ी वीडियो बना पाऊँ इस चैनल के लिए भी, क्योंकि बडी के चैनल पर आई मीन अब वो बडी का चैनल नहीं है गाइज, अब वो बडी एंड टैडी का चैनल है. तो अब फरी फ्रेंड पे तो वीडियोस आ ही रही हैं और जल्दी आएंगी, बहुत ज़्यादा आएंगी, बट ट्राई करूँगा इस पर भी आए. तो चलो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं फिर. देखो इसी चीज़ की बात कर रहा था मैं, रात रात को ना इसका कुछ भरोसा नहीं होता, ये पीछे लकड़ी के वो रखे हैं ना स्टैचू से, उसके बाद घुस जाता है. चल भाई इसको भी बड़ा फूड पसंद है वैसे बड़ी की तरह. पपी अकीर्ति आज छोड़ दे भाई, अरे मेरे को मत खा. उठ गया क्या? अम्ब्रेला उठा के ले आया गजब. क्या चल रहा है यहाँ पे? ओ भाई साहब इसके साथ खेलो. अरे डैडी भाई साहब उठ गए आप, सो गए हैं? नहीं उठ गए आप, कहर कहर आ गया वापस घर में. इट्स लाइक गब्बर सिंह, यू नो चार्ज हो रहा था, शुरू हो गया वापस. अब भाई निकल ले जाके यार, छोड़ बे कार्टून. वैसे हम लोग ना टर्न्स लेते हैं कि जब ये उठा रहता है तो जैसे शिल्पा बैठ गई इसके बाद मैं जाके ऑफिस का काम कर लिया या मीटिंग अटेंड कर ली, क्योंकि इसके साथ तो कुछ नहीं हो पाता, तो हम ऐसे टर्न्स लेते हैं. अब शिल्पा को शिल्पा की मीटिंग है तो मैं आ गया इसको कंपनी देने, क्योंकि जब तक ये जगह है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं, पूरा टाइम वेस्ट, इसको देखना पड़ता है प्रॉपर कंटिन्यूस. पर जब ये सो रहा है तो फिर आप बहुत कुछ कर सकते हो. लेसी तो हो रहा है पर अभी कुछ नहीं, अभी बिल्कुल इसका टाइम स्पेंड करना ही करना है हमें गाइस. अब है ना हम दोनों को काम करना है, हम दोनों काम कर रहे हैं लैपटॉप पे अभी, और ये भाई साहब को है ना कोने में बिठा के हमने लगा दिया है डीप कामिंग म्यूज़िक, थोड़ा शायद रिलैक्स फील करे और शायद ये ट्रिक काम कर जाए और हम दोनों काम कर पाए ऑफिस का. क्योंकि जिस हिसाब से ये उधम मचा रहा है ना इस समय, काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा है. चल ये ट्राई करके देख लेते हैं. आपको नींद आ गई भाई? नहीं, लो शिल्पा तुम्हारा गया कामिंग म्यूजिक गया, ये लो इतना बहुत पसंद आ गया शिल्पा उसे कामिंग म्यूजिक, देख लो लो दो फोन को च्यू करने बैठ गया. ये लो बहुत पसंद आ गया तुम्हारा कामिंग म्यूजिक उसे ना, काम हो गया बहुत वो. हाँ देखो काम हो गया, एनर्जी ठंडी हो गई थोड़ी सी ना उसकी. हाँ देखो इतना पसंद आ गया, कह रहा कि खाऊंगा मैं इसको, इतना पसंद आ गया.
हटा लो, स्क्रैच पड़ जाएंगे। छोड़, बंद हो गया, बंद हो गया। पेट स्मार्ट चल गया। शॉपिंग करने गया तुझे पेट स्मार्ट से? देखा सीधा पेट स्मार्ट चला। देखना गाइस, शिल्पा को काम नहीं करने दे रहा। देखना वैक्यूम नहीं लगा दे रहा। देखना शिल्पा वैक्यूम लगा रही है और थोड़ा सा घास वास हो गई थी ना घर में, और थोड़ा सेटअप कर रही है सोने के लिए, बेड वगैरह लगा रही है। ये देखो भाई सबको। शिल्पा मैंने तो प्रॉमिस किया है अपने आप से, जब तक इसकी बाइटिंग खत्म नहीं होगी एक स्क्रैच नहीं आने दूंगा अपने ऊपर। बाइटिंग में तो बहुत लिए थे मैं स्क्रैचेस। वो पहला डॉग था ना हमारा, पहला डॉग है ना बड़ी। हाँ। भाई साहब छोड़ दो। डैडी डैडी लीव इट लीव इट लीव इट लीव इट। मैं बोल रहा हूँ एक स्क्रैच नहीं चाहिए मुझे। गुड बॉय। वैसा मेरा मैट्रेस लगा रहे हैं रूम से, पर छोटी छोटी मैट्रेस पड़ी थी एक्स्ट्रा हमारे पास। बेड ज़मीन पे सोते सोते ना यहाँ पे दर्द होने लग गया साइड में मेरे। मैं कहा बस प्लीज़, मतलब वैसे तो कंफर्टर या फिर ब्लैंकेट वगैरह बिछा रही थी ज़मीन पे, पर फिर भी दर्द हो गया था। मैं कहा प्लीज़ मैट्रेस लगा दे यार, क्योंकि अभी भी और थोड़ा ज़मीन पे सोना पड़ेगा जब तक इसको थोड़ी आदत ना हो जाए ना, कि जब तक एक पॉटी ट्रेन ना हो जाए और ये थोड़ा बाइटिंग वाइटिंग बंद कर दे तब तक के लिए तो एटलीस्ट ज़मीन पे सोना चाहिए। आई मीन कि उनके साथ सोना चाहिए, क्योंकि बेड पे तो ये चढ़ नहीं पाएगा, बेड पे चढ़ गया तो गिर सकता है, तो इसलिए ज़मीन पे सोते हैं हम लोग। गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे की रिकॉर्डिंग है, सो के उठाओ और ऑफिस का काम चल रहा है अभी तो। अब है ना देखो, अब हम लोग बाहर बैठ के ही काम करते हैं मैट्रेस पे जहाँ पे सोते हैं, अब रूम्स में नहीं जाते क्योंकि रूम्स में कारपेट, और कारपेट में मैं रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि अभी टैडी ट्रेन नहीं है ना, तो सुसु पॉटी यू नो कभी एक्सीडेंट कभी भी हो सकते हैं, तो व्हाई नॉट वर्क फ्रॉम यू नो फ्रॉम द आउटसाइड लिविंग रूम मैट्रेस के ऊपर, एक लैपटॉप भी तो है, चल जाता है काम। मीनवाइल टैडी एंड बडी दोनों बैठे हैं यहाँ पे मेरे को कंपनी दे रहे। शिल्पा तैयार होने गई है, आदेश सो रहा है, फूड खा लिया ना दोनों ने, चलो निन्नी कर लो दोनों अब। ओके शिल्पा तुम कहाँ बैठोगी अब? अब तुम्हें काम करो ना, तुम इधर बैठ जाओ, तुम बडी के बेड पे बैठ जाओ ना शिल्पा। अच्छा। ये भी तो ये भी खाली पड़ा है ना शिल्पा, बैठ जाओ यहाँ पे। दोनों यहाँ बैठे हैं और हम वहाँ बैठे हैं। हाँ बिल्कुल, और क्या, क्योंकि यू नो दे ऑक्यूपाई द बेस्ट स्पेस इन द वर्ल्ड राइट, विच इज आर बेड विच इज आर हार्ट। सो रहे क्यूट सर, चल भाई सो जा सो जा। बैटरी चार्ज रहती है, गाना टैडी को बनाना है, छोड़ेगा भी तो नहीं है भाई। ये देखो फिर पहुंच गया, फिर पकड़ लिया। ओ भाई साहब क्या कर रहे हो? चलो हटो। ए छोड़ सर, अब तो इसको ड्रॉप इट भी नहीं सिखाया ना अभी तक, इसलिए उसके मुंह में उंगली डाल के निकालना पड़ेगा। अंदर जा, चल के अंदर। टैडी को अंदर रख दो, टैडी को अंदर रख दो, टैडी को ही अंदर रख दो, बात ही खत्म हो जाएगी। तो टॉयज ले ले, इतने हजारों टॉयज पड़े हैं। टॉयज तो फिर हो गए ना, बोर हो गए ना, चल के अंदर छुपा दो इसे। टॉयज में ये वाली बात कहां है, वायर वाली छुपा दिया। टैडी वायर का है, वो देखने की है। टैडी वायर का ढूंढ रहे, मेरे पास नहीं है। टैडी उल्लू बन गया तू? ओ टैडी को उल्लू बना दिया यार, शिट मैन, ऐसे क्यों करते हो? ऐसे मत किया करो शिल्पा, तुम लोग ऐसे मत किया करो। देखो टैडी ढूंढ रहे ना, दिल तोड़ दिया तुमने उसका, मिट्टी वट्टी खिलाओ थोड़ा सा, दिल मत तोड़ो बस। ओए ओए गड्ढा नहीं करना, ओए ओए गड्ढा नहीं करना, ओए एक गड्ढा नहीं करना। शांति से कब बैठेगा? शांति से जब ये सोता है, जब ये सोता है तब मन करता है कि उठ जाए उठ जाए उठ जाए कि सो क्यों रहा है, और जब उठता है जब ऐसी हरकतें करते हैं तब मन करता है कि सो जा जल्दी सो जा। ओह क्यूट, चक्कर ले लो बस, अंदर ही है भाई। अच्छा ढूंढ लिया इसने, करना जरा इसकी मम्मी को फोन कि कैसा बच्चा दिया हमें, कहाँ से शरारती है, इसकी शक्ल तो देखो एक बारी, देखना। हाँ मतलब टिकता ही नहीं है,
बड़ी की पूंछ खा रहे हैं सुबह से। हाँ? बेटा बड़ी ने बोल एयरपोर्ट चाहिए ना उसको, एयरपोर्ट दे दो भाई, एयरपोर्ट चाहिए इसमें क्या? पता कैसे नहीं है ये बिल्कुल भी, क्योंकि वो पपी है। और डैडी ले लो गाइस, ले लो और ले लो, चाहिए ना आपको ले लो। बड़ी भी ऐसा था क्या, मुझे याद नहीं आ रहा।